इस तरफ मैंने सारा छूने वाला चीज सब निकाल लिया है। ये तो मैंने कल ही छुआ था दान में, जो सुहाग का चीज होता है। एंड कुछ अन्य भी दान करना होता है, आटा चावल है, दाल है एंड नमक तो करना ही पड़ता है, कोई लेते नहीं है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में किया है। एंड इसके अलावा ये सब तो मेरे यूज का है, ये भी है, मैं शाम को जाऊंगी पंडित जी को देने सुहाग का सारा चीज। मैं पूरी रात ऐसे पानी के लिए, एक बूंद पानी के लिए तड़प रही थी। सुबह जैसे ही 3:30 हुआ है ना, 4 बजे आया, तो मैं फटाफट से नहा के पूजा की हूँ और पानी पिया। पढ़ना है आज, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पिया और मुझे पानी ही चाहिए। और आज गणेश चतुर्थी भी है, हर साल तीज के कल हो गए गणेश चतुर्थी होती। मैंने यहाँ पे मेरे गेट पे ही गणेश भगवान रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा पूजा किया है, दिया अगरबत्ती जलाया और ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। और यहाँ पे बाबू मेरे लिए कुछ बना रहा है। क्या बना रहे हो बेटा? सोडा वगैरह बना रहे, पता नहीं कैसे। इसमें कोल्ड ड्रिंक भी मिलाएगा, इधर सोडा है और मौसमी जूस भी लाए हो, तो जूस भी निकाला है और लेमन भी डाले हो, जलजीरा वगैरह डाल के कुछ बना रहा है। और यहाँ पे मैंने एक डिफ्यूजर भी जलाया है, इस तरीके से देखो, जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट आती रहती है। इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल डाला है ना, बहुत पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में एसेंशियल ऑयल का। रोजमेरी मैंने डाला है, कभी कभी मैं कम्फोर भी डाल, कपूर जो होता है ना वो भी डालती हूँ। पूरे घर में इतना अच्छा अरोमा आता है और इतना पॉजिटिविटी आती है ना। सारा सुबह ही में बन गया था, अभी तक मैंने खाया नहीं है, खाया नहीं जाता यार, बस पानी की जरूरत पड़ती। मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ऐसे गला मेरा बैठ गया है। पूरी रात जो मैं तड़पी हूँ कि बस कैसे भी 4 बजे और मैं पानी पी लूँ, लग रहा था ठंडा कुछ एसिडिक कुछ पानी मुझे मिल जाए और मैं पी लूँ। सुबह सुबह मैंने से नींबू पानी पिया था और फ्रूट्स खाए हैं, और कुछ मैं फूड नहीं खाई हूँ, फूड की मुझे कोई नीड भी नहीं है। खाना वैसे मेरा पूरा बन गया। इस तरफ देखिए, ये आलू की सब्जी, आलू दम जो है ना, जैसे बाहर होटल में मिलता है वैसा है। एंड बस इसके साथ सिर्फ राइस बनाया है, तो बस इतना ही बनाया है। शाम को मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा बनाऊंगी, तीज का पड़ना है तो कुछ तो अलग एक्स्ट्रा बनेगा ही। फिलहाल बस चावल सब्जी बनाया, वो भी अभी तक कोई नहीं खाया, सिर्फ हस्बैंड खाए हैं, ऑफिस लेके गए हैं बस। और हाँ, ये वाला जो सब्जी है ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया है पढ़ना के लिए। सो तीज में कुछ मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तो मेरे लिए सब्जी ही बना ली है। ये बहुत मज़ेदार बना, अभी तक खाया नहीं लेकिन बना बहुत अच्छा है जी। कहाँ तक पहुँचा बेटा आपका सोडा? बन गया, बस बस बस, ज़्यादा नहीं। पता नहीं ये क्या क्या बनाते रहता है, कुछ कुछ ये देखते रहता है वीडियो में और कुछ कुछ बनाते रहता है। इसमें माउंटेन ड्यू भी डाल रहा है, मैं पी के देखती हूँ कैसा है। ये बस कुछ ऐसे ही चीज़ की जरूरत है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पीने वाला और थोड़ा सा एसिड वाला चीज़, मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप्स। बस लग रहा है मैं पीती जाऊँ मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। मैं सुबह से सिर्फ पानी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब पेट भर जा रहा है, लेकिन वो प्यास नहीं मिट रही है। बाप रे, कल में पानी के लिए बहुत तर। ये देखिए जी, मैं पी के देखती हूँ, उसमें जलजीरा भी डाला है। आइस क्यों डाला बेटा? जलजीरा भी डाला है, क्या बोलते हैं, मौसम्बी का जूस भी है, सोडा भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, नींबू भी डाला है। चलो पी के देखती हुए कैसा बना है। बेटा बहुत मजेदार है, सच में इतना मजेदार है ना। मौसम्बी जूस और क्या वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाला था, लेमन का जलजीरा का फ्लेवर बहुत मजेदार है। एक और ग्लास बनाया। गणेश चतुर्थी है तो फिर शाम को मैं बाहर भी जाऊंगी, या सैटरडे तो हस्बैंड थोड़ा सा पहले आ जाएंगे, तो शाम को बाहर भी जाऊंगी। बाहर तो बहुत पूजा वगैरह हो रहा होगा, हर साल पंडाल वगैरह बनता है और हर साल 30 के कल होके गणेश चतुर्थी होता है। और मैं हर साल जाती हूँ, प्रसाद खाती हूँ, खिचड़ी मिलता है, बहुत मजा आता है। और यहाँ पे बाबू मम्मा के लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? ये देखिए जी, आज मम्मा का पढ़ना है ना बेटा, फ्लेम को तेज करना होता है। आज मेरा पढ़ना है ना, इसलिए मेरे लिए फ्रेंच फ्राई बना रहा है। मेरे लिए केक बनाने वाला था, मैंने मना किया नहीं, मुझे मीठा नहीं खाना। तो ये देखिए जी, ये सारा कुछ खुद ही कट किया है, कॉर्न फ्लोर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया लगता है, और ये भी थोड़ा ज़्यादा मोटा है। एनीवे बहुत अच्छा बनाता है बाबू भाई, हाँ पहले भी बना रखा है तो बहुत अच्छा बनता है। तो चलो जी, ये है फिलहाल अभी पढ़ना, तीज का पढ़ना है स्पेशल, तो फिलहाल अभी ये है। मैं शाम तक और देखती हूँ क्या क्या करते हैं, उसके बाद फिर बाहर भी जाएंगे, है ना। आज मुझे क्या हो गया, कल का मैं निर्जला व्रत में थी, कल लग रहा था कि कैसे कल होगा तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी, और आज मेरा पारण है तो अभी तक मैंने कुछ फूड नहीं खाया। मुझे
मतलब खा रहे का ना मन कर रहा है ना ही भूख लग रही है पता नहीं, लेकिन सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाने का मन कर रहा है, जैसे कुछ पकौड़ा तीखा ठंडा ठंडा कुछ है। कल रात से मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, पूरी रात स्नीज, गले में यहाँ पे पेन, और इतना पेन कि कान में भी दर्द, सर में दर्द, फीवर मतलब बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, तो इतनी गर्मी में भी मुझे सर्दी लग जाती, मैं पूरी रात ये स्टीम ले रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा था, पूरा सर ऐसे भरा हुआ है। स्टीम लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता है, गर्म पानी पीना, गार्गल करना, पता नहीं क्या हो गया। कल मैं वीडियो स्टार्ट की थी और बोली थी ना बाहर जाऊंगी, गणेश चतुर्थी है, हर एक फास्टिंग करके मेरी ये हालत, एक मिनट, अभी तो सिर्फ मैंने तीज किया है, एक फास्टिंग में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। अभी जितिया भी आ रहा है, जितिया तो और सबसे ज़्यादा टफ है, बापरे बहुत, इसमें तो बहुत नियम भी है, तीज में तो कि सजो धजो थोड़ा बहुत पूजा करो तो टाइम कट जाता है, जितिया का तो अलग ही सीन है, वो भी आ रहा है, सेप्टेम्बर में ही है, कब है नहीं पता लेकिन सेप्टेम्बर में ही है। कल मैं बोली थी ना, कल मैं वीडियो स्टार्ट की थी कितने अच्छे से कि शाम को मैं जाऊंगी, गणेश चतुर्थी है तो थोड़ा पैंडल वगैरह है, दर्शन करने जाऊंगी, और पढ़ना है, तीज का पढ़ना है, तो कुछ बाहर से खाएंगे, ये वो घूमने जाएंगे, हस्बैंड आएंगे तो, लेकिन कल हस्बैंड आए तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद रात में हमारी भी तबीयत बिगड़ गई, कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किया, और अभी से भी मैं क्या करूँ, तबीयत खराब हो गई। ये है मेरी सुबह की पहली गर्मा गर्म मजेदार सी चाय, हाय इसकी बड़ी जरूरत थी, चलो कप कैसा है यार, दुबा हो, पतली हो गई, आपके मुंह में घी सक कर देखो। इधर है मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा दिखाऊंगी, बोले कि मैं पतली हो गई सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, कोई ये बोल दे तो भाई उम्र बढ़ जाती है बड़ी खुशी से। आज संडे है तो आज हमारे मिनी गार्डन का थोड़ा बहुत साफ सफाई चल रहा है, देखे, और ये एलोवेरा का पेड़ देखो कितना जम्बो हो गया है, ये कड़ी पत्ता है, अरे ये है एलोवेरा देखो पूरा भरा हुआ है, थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई चल रही है, सब गंदा हो गया देखो, ये देखे। चलिए जी, तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा, वैसे भी आज संडे है तो नाश्ता वगैरह बहुत देर हो गई, अभी तक कुछ किया नहीं मैंने। चलिए नाश्ता बनाते हैं और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ ईजी हल्का सा ही बनाओ। चले जी, आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मज़ेदार सा टेस्टी हेल्दी पोहा, जिसके लिए इधर कुछ सब्जियाँ कट कर ली है, गाजर है, कैप्सिकम, थोड़े से टोमेटो है, ग्रीन चिली, अनियन एंड थोड़े से अदरक, और यहाँ पे मैंने पोहा भी निकाल लिया है चूरा, तो अब मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखे जी, तो हमारा मज़ेदार सा टेस्टी गर्मा गर्म हेल्दी पोहा रेडी है। इसमें मैंने पीनट भी डाला है रोस्ट करके, एंड कुछ किशमिश वगैरह भी डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, एंड बस इसमें नींबू की कमी है, तो नींबू वैसे भी मुझे बहुत एलर्जी होता है, तो चलिए जी फटाफट से हमारा पोहा बन गया, अब जल्दी जल्दी से शेयर करते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मैं एक और मज़ेदार सा डिश बना रही हूँ, ये देखिए जी, मिनी चोको लावा केक बना रही हूँ मैं, ये इडली मेकर में, ये देखें,
और कितना फ्लफी, अच्छे से फूल के अच्छा सा बन रहा है, देखो नीचे भी है। लास्ट टाइम जब मैं बनाई थी तो मैं वो अप्पे मेकर में बनाई थी और इस बार इडली मेकर में बनाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बना है। देखो थोड़ी देर ये 2-4 मिनट और अच्छे से स्टीम होगा, फिर ये रेडी हो जाएगा। और कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो इसको हम ढकते हैं। मैदा से बनाया मैंने, टेस्टी तीनों ले लिया मैंने, एक बार पकड़ के चलो। आजा बेटा जल्दी आजा, आजा बेटा। और यहाँ पे देखते ही देखते देखो जी बारिश स्टार्ट हो गई है पूरा अंदर। अभी तो थोड़ा सा कम भी हो गई, अभी बहुत तेज हवा और आंधी तूफान जैसा हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत तेज बारिश है। देखो थोड़ा थंडर की आवाज पूरा अंदर तक पानी आ गया है। इधर ये सब भी ऐसे ही पड़ा रह गया जो पंडित जी को देना था, जो दान का था ना छूने वाला, सारा सामान चाह ही नहीं पाया, सब ऐसे ही रह गया, पता नहीं कब जाएंगे। फिर स्टार्ट है एंड अचानक से इनको फीवर भी आ गया है। कल रात से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी बाहर जाऊंगी, लेकिन अब बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। वेदर वैसा है, टाइम देखो कितना हो गया, 2 बज गए, बारिश भी बहुत है, हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। छोड़ो, छोटा सा वीडियो है, सिंपल सा, इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। नहाई भी नहीं, वो भी नहाऊँगी, घर का पूरा काम बचा हुआ है, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।